वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्यों को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति प्रत्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं
कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के कारण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहीं जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया।
फिर अपनी स्त्री सहित मुनि ने चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संयमहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंडल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज जी ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव्य सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणांगतों के दुखों का नाश करने वाले,
कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही हो, मैं अरोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये भिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्रह्मा ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर ये बात तेरी माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुम्बी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शीरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को ही खाया, फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मा वाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह कलेशों को कठिन तप को त्याग दे,
अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद, सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों को वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भटकती अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है।